धार के ग्राम नागदा में अखिल भारतीय मेवाड़ा गायरी समाज द्वारा संत अमराग भगत की यात्रा को लेकर कार्यकारिणी बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश, जिला और तहसील स्तर के लोगों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु चौधरी ने समस्त पदाधिकारियों को यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय मेवाड़ा गायरी समाज के अध्यक्ष विष्णु चौधरी ने बताया कि यह यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल होते हैं। चौधरी ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों में भाईचारा का बढ़ाना है। क्या है आप? अखिल भारतीय मेवाड़ा गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आपने आज ये मीटिंग रखी है, किस उद्देश्य से रखी है? ये अखिल भारतीय मेवाड़ा गायरी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें संत अमराग भगत जी की यात्रा को लेकर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री को भी बुलाया, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री को बुलाया, प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री को बुलाया और प्रत्येक जिले के जिला अध्यक्ष को भी इसमें आमंत्रित विशेष रूप से किया है, तहसील स्तर के अध्यक्ष को भी बुलाया है। इसमें यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, समाज की और यात्रा के बारे में समाज तक, गाँव तक अपनी बात रखें और इस यात्रा में सभी सहभागी बने। यात्रा कहाँ के लिए निकाली जाएगी? यात्रा एक सोनकस से निकलती है हमारी, अमरा भगत जी के लिए सावरे जी में धाम है हमारा, एक धार से निकलती है और एक इंदौर से निकलती है। कब निकलेगी ये? तारीख उसकी अभी 22 या 23 तारीख में अगस्त में निकलने वाली है। अगर 23 को निकलेगी तो 24 को वहाँ पहुँच जाएंगी और 22 को निकलेगी यात्रा तो में 23 लोग शामिल होंगे। यात्रा में लगभग जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से संख्या जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। जावरा में जाते जाते करीबन 10 से 15 हज़ार लोग एकत्रित वाहन रैली के रूप में। क्या उद्देश्य रहता है इस यात्रा का? यात्रा समाज में जन जागरण, समाज में चेतना, समाज में जो कुरूतियाँ हैं उनको दूर करना, एक दूसरे से संपर्क में से जोड़ना, पहचान बनाना, समाज में कई प्रकार की रूढ़ियाँ हैं उन चीज़ों को इस माध्यम से यहाँ पर पहुँचना और संत अमराव भगत जी का जो है कि हमारा धाम है उस धाम में ही देव दर्शन के लिए सभी लोग वहाँ पर जन्मदिन मनाने के रूप में उपस्थित। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।